जीत का सिरमौर सजने के बाद भी कांग्रेस की भाग दौड़ कम नहीं हुई है। अब शिमला मेयर पद के लिए दिल्ली तक की मैराथन चल रही है। पहले मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, फिर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और फिर शिमला नगर निगम के ऑब्जर्वर तेजिंदर बिट्टू, जिनके बीच मंथन हुआ कि शिमला का मेयर कौन होगा। पार्टी के प्रति उनकी वफादारी हुई, फिर सीनियरिटी भी देखी जाती कि कितने बार वो काउंसलर्स रहे, उनका प्रोफाइल कैसा है, उनकी कितनी आस्था है, काम करने की कितनी क्षमता है, इन सब बातों पर चर्चा होगी और शीघ्र ही मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला। बैठक के बाद सूर्या समाचार से खास बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी ने तय कर लिया है मेयर या डिप्टी मेयर के में से एक पद महिला पार्षद को दिया जाएगा, यानी पार्टी महिलाओं को उनकी बम्पर जीत का इनाम देने के लिए तैयार है। नहीं, नाम तो अभी हमने फाइनल नहीं किया, अभी तो हमने चर्चा ही की है कि एक सीट हम महिला को अवश्य देंगे और एक मेयर या डिप्टी मेयर में से जो भी फैसला किया जाएगा उसके बारे में अभी जैसे ही मुख्यमंत्री शिमला जाते हैं वहाँ पर बैठ के दोबारा चर्चा की जाएगी और जल्दी से जल्दी ये नाम तय किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रतिभा सिंह ने ये भी साफ किया कि उम्मीदवारों को लेकर पार्टी में ना कोई असमंजस्य है ना कोई तनाव, लेकिन शिमला से दिल्ली तक की लंबी दौड़ को देखकर प्रदेश अध्यक्ष के दावों पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मंत्रिमंडल में हमने देखा था, जब मंत्रिमंडल बंटना था तो कई पशुपेश थे, इस मेयर डिप्टी मेयर को लेकर भी कुछ नहीं, इसमें कोई ऐसा विवाद नहीं है या कोई बड़ा भारी सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, अब नाम का फैसला करना कि किसको दिया जाए। शिमला के नए मेयर के लिए शिमला वासियों को और कितना इंतजार करना होगा, इस सवाल पर प्रतिभा सिंह ने बेझिझक बताया कि हफ्ते भर में पार्टी मेयर के नाम का ऐलान कर देगी। तक मैं मान के चले कि कांग्रेस मेयर डिप्टी मेयर के नामों की घोषणा कर देगी। आई थिंक 15 या 16 तक, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी है तो उसको लेकर भी कुछ खास आप लोग तैयारी कर रहे हैं। उस पे भी हमने काम करना शुरू कर दिया है, जो अगला चुनाव वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और हम अवश्य उसमें जीत हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे पार्टी वर्कर सभी उसके लिए तैयार है और उन्होंने फील्ड में काम करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस हर बार की तरह बगैर जल्दबाजी किए पूरी तसली बख्श तरीके से हर पहलू पर विचार कर रही है, ताकि मेयर की कुर्सी का खेल पार्टी की पावर को कमजोर करने की बजाय नई मजबूती दे। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।